हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले मेलाकेयर क्रीम के बारे में कि कैसे क्रीम है, इसे कब तक लगाना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर इसका कोई साइड इफेक्ट है तो उससे कैसे बचा जाए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो है उन लोगों के लिए जो अपने चेहरे को साफ रखना चाहते हैं और काफ़ी लोगों के इसको कुछ साइड इफेक्ट हुए हैं तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना, काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ऐसे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियोस डेली बनाने के लिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेलाकेयर क्रीम अजंता फार्मा बनाती है, जो कि एक बहुत ही बड़ी और एक इंडियन कंपनी है। तो मेलाकेयर जो क्रीम है, ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक फेयरनेस क्रीम है, लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपके चेहरे को साफ करती है, गोरा बनाती है। इसे लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी आपको नहीं देगा और ना ही डॉक्टर से सजेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। अब यहाँ पर काफ़ी लोगों के माइंड में ये बात आती है कि अगर ये आपके चेहरे को गोरा बनाती है तो जब से आप छोड़ देते हो तो क्यों काला हो जाता है हमारा चेहरा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। पहली बात तो कंपनी ने कभी ये दावा नहीं करा है कि हमेशा के लिए आपके चेहरे को ये साफ कर देगी, गोरा बना देगी। ये एक शॉर्ट टर्म फेयरनेस क्रीम है, यानी कि अगर आपको एक से दो दिन में या हफ्ते भर में कहीं बाहर जाना है, किसी प्रेजेंटेशन में जाना है, किसी भी काम में जाना है जिससे आप अपना जो लुक है अच्छा दिखाना चाहते हो, आपका जो इम्प्रेशन अच्छा जमाना चाहते हो, ये पर्पस उन चीज़ों में ये क्रीमें काम आती हैं। ये क्या करती हैं, इससे दो दिन में आपके चेहरे को काफ़ी साफ कर देती हैं, चाहे दाने हो, पिंपल्स हो, एक्ने हो या झाई हो, पिगमेंटेशन हो या फिर आपका जो टोन है डार्क हो रखा हो धूप की वजह से या कलर ऐसा हो, तो ये सब चीज़ों को ख़त्म करके आपके चेहरे को बेदाग बना देती है, काफ़ी साफ कर देती है, जिससे आपका चेहरा काफ़ी सुंदर भी लगने लगता है और गोरा भी लगने लगता है। और ये सिर्फ मात्र 2 से 3 दिन में ही कर देती है। लेकिन यहाँ पे इसका इंटेंशन सिर्फ ये होता है कि आप इसे शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करो, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसे जितना यूज़ करोगे तो आपकी स्किन को इस क्रीम की आदत लग जाएगी और जब आप इसे छोड़ोगे तो इसको आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो क्रीम है ये नेचुरल क्रीम नहीं है, इसके अंदर साल्ट डाले गए हैं, ये स्टेरॉइड साल्ट है, जो कि जब तक आप इसे यूज़ करोगे तब तक तो आपका चेहरा काफ़ी साफ रहेगा, लेकिन जब आप इस क्रीम को छोड़ दोगे देन उसके बाद इसका रिजल्ट आपको काफ़ी कम होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी स्किन को इस क्रीम की काफ़ी आदत हो गई है। तो अगर आप इस क्रीम को नहीं लगाओगे तो आपका चेहरा वैसे ही हो जाएगा, ये भी इसका एक मेन बहुत बड़ा रीज़न है। इसलिए इसे लॉन्ग टर्म के लिए कभी ना लगाएं। इसे जो लोग भी लगाते हैं, सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, देन इसे कितने टाइम के लिए लगाने ये भी उनसे पूछें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपसे 1 महीने लगाने से भी पहले सोच लें कि आपसे 1 महीना लगाने वाले हैं। तो इसे मैं अगर अपनी सजेशन दूँ इस पर, तो आपको मिनिमम इसे कम से भी कम बस 10 से 12 दिन लगाना है, उसके बाद से छोड़ सकते हो। और अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, माइनस से पिंपल एक्ने हैं, तो आप इसे सिर्फ 2 से 3 दिन लगाओ, देन इसके बाद आप छोड़ दो। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि अब हमारे को इसका साइड इफेक्ट होने लग गया, यानी कि हमने इसे कोई ऐसे लोग होते हैं जो इसे 6 महीने से यूज़ कर रहे हैं और अब उनको इसकी चीज़ की नॉलेज पता चल गई कि इसे छोड़ने के बाद हमारा चेहरा ख़राब हो सकता है, तो अब इसे कैसे छोड़ा जाए। दोस्तों, इसे छोड़ने का एकदम सिंपल सा रीज़न है, लेकिन मैं आपको गारंटी नहीं दूंगा इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको काफ़ी चांसेस हो जाएंगे कि इसका जो साइड इफेक्ट है बहुत ही कम या रेयर देखने को मिलेगा या ना के बराबर हो सकता है किसी किसी लोगों के साथ में। तो वो कैसे है कि अब तो आप मान लीजिए कि आपने इसे लॉन्ग टर्म तो यूज़ कर लिया, अब इसे छोड़ना कैसे है। अब आप इसे डेली लगाते हो तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको इसे डेली नहीं लगाना है। जैसे अगर आप चाहो इसे आज से छोड़ना तो आज इसे आप लगाओ, लेकिन आप इसे कल बिल्कुल मत लगाना। फिर आप इस हफ्ते ऐसे ही करो कि आज लगाओ, अगले कल मत लगाओ, फिर उसके अगले दिन लगाओ, फिर उससे अगले दिन मत लगाओ। तो ये हफ्ता 7 दिन ऐसे एक एक दिन करके इसे लगाना है। फिर जैसे ही अगला हफ्ता शुरू हो जाए, फिर आपको सिर्फ मंडे को लगाना है, ट्यूसडे वेडनेसडे को नहीं लगाना है, फिर थर्सडे को लगाना है, 2 दिन छोड़ने अगले हफ्ते में। ऐसे ही तीसरे हफ्ते में आपको 3 दिन छोड़ के 1 दिन लगानी है, 3 दिन छोड़ के 1 दिन लगानी है। ऐसे छोड़ते छोड़ते आपको ये सब पीरियड करते करते 1 महीना हो जाएगा, और 1 महीने में जब आप से ऐसे छोड़ोगे तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी मामूली सा पड़ेगा और या हो सकता है किसी किसी लोगों में ना ही हो इसका नुकसान। तो ऐसे आप से छोड़ सकते हो अगर आपको डर है कि अगर से आप अचानक से छोड़ोगे तो इसका नुकसान देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिलता है दोस्तों, क्योंकि ये कोई ऐसी क्रीम नहीं है जिसे कोई आप लगाई और आयुर्वेदिक है, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो इसका बिल्कुल नुकसान होगा, जो लोग इसे लगा के छोड़ देंगे इसका बिल्कुल नुकसान होगा। एक और नुकसान है इसका कि अगर आप इसे लगाते हो सुबह तो आपका जो चेहरा काफ़ी लाल हो जाएगा, क्योंकि जब आप धूप में जाते हो तो इसका जो स्टेरॉइड होता है आपकी स्किन पर होता है और वो आपकी धूप की जो किरण आपके चेहरे पे पड़ती है उससे वो जलता है, इसलिए आपका चेहरा लाल भी हो जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें, जो लोग इसे लगा रहे हैं वो सिर्फ रात में लगाएं, वो भी बहुत ही कम अमाउंट में, ऐसा नहीं है पूरी स्किन में आप
पूरे आपने फेस पे अपने रब कर लिया, नहीं, बिल्कुल एकदम माइनर से अमाउंट में आपको इसको अपने फेस पे लगाना है, जिससे आपको बहुत ही कम इससे नुकसान हो। बाकी मैंने बताया कि ये जो क्रीम है ये उस काम के लिए आती है जो कि बहुत ही आपको कहीं जाना है और बहुत ही ज़रूरी है आपके चेहरे को अच्छा दिखना, या आप चाहते हो कि मेरा चेहरा साफ रहे, तो इस क्रीम को आप तभी लगाएं, अदरवाइज इन क्रीमों को आप बिल्कुल ना लगाएं। और लगाना भी चाहते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करके इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी इसकी ऐसी डिटेल जो कि काफ़ी लोग जानना चाहते थे। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी हो। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में भी शेयर करें, ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए डेली लाता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए।